तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने मुझे पहचाना नहीं पुंजिक स्थला? मैं जड़ासुर हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों ने मेरा अधिपत्य स्वीकार कर लिया है और उन्होंने सच्चे हृदय से मुझे अपना भगवान मान लिया है। रामान, हमने अपनी माया से अंजना को ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाई। मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। दंड? हनुमान, तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। तुम तो क्या इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवराज इंद्र की शक्तियों से परिचित हो। और यदि तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान है तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। रुद्रावतार हनुमान, अब समस्त संसार को पता चलेगा कि कौन है सर्वशक्तिशाली, हनुमान या स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। क्या हुआ देवो? आपके नेत्र में आंसू किस लिए? प्रभु, हमारा दुख ये है कि हम देवेंद्र की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमें वही करना होगा जो देवेंद्र चाहते हैं। तात्पर्य, हमें ना चाहते हुए भी आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा। प्रभु, हम बहुत बड़े धर्म संकट में घिर गए। नहीं देवों, धर्म के पालन में धर्म संकट का कोई स्थान नहीं होता। आप सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन करने से धर्म का ध्वज और उन्नत होता है। इसीलिए आप सब देवराज इंद्र के साथ ही रहें, क्योंकि मेरा प्रयोजन देवराज इंद्र से युद्ध करना नहीं अपितु उनके अहंकार को नष्ट करना है। इसीलिए आप सब चिंता ना करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ कैसे? प्रभु, कैसी विकट घड़ी आ गई कि अब तक
केवल असुरों से युद्ध करने वाले देवता आज एक देवता के साथ युद्ध करेंगे। प्रभु ये कैसी विसंगति है? देवर्षि, विसंगतियां कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि वो केवल एक ही वर्ग में हो और दूसरे वर्ग में ना हो। देवर्षि, मद, मोह, लोभ का प्रकोप केवल मनुष्य एवं असुरों पर ही नहीं होता, अपितु कभी कभी देवता भी उसके आखेट हो जाते हैं। और तब वैसे समय में नियति अपना कार्य करे, उसके लिए आवश्यक हो जाता है उन विसंगतियों को दूर करना। इसीलिए देवर्षि, इस संसार के हित हेतु ये युद्ध अति आवश्यक है। इस युद्ध में कितनी हानि, कितना विनाश होगा? देवर्षि, विनाश के गर्भ में ही तो नव निर्माण का बीज छिपा होता है। जो विनाश से भयभीत हो जाए वो निर्माण की संरचना कदापि नहीं कर पाएगा। ये युद्ध पृथ्वीलोक एवं इंद्रलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। उठो और मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरो, अन्यथा बलात् मुझे तुम्हारी मांग भरनी होगी। जड़ासुर, तुमने एक पतिव्रता स्त्री को ललकारा है। सिंदूर की सत्व की शक्ति को पहचानो जड़ासुर, और दूर हो जाओ इस सिंदूर से, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, मत खेलो एक पतिव्रता स्त्री के सिंदूर के सत्व से। अन्यथा पहले तो केवल अपना रूप खोया था, किंतु इस बार अपना जीवन खो दोगे। पुंजक स्थला, तुम्हें पाने का अर्थ ही तो जीवन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, अब क्या होगा? आप विचलित ना हो देवी। आज संसार को सिंदूर की शक्ति का अनुभव होगा। समस्त संसार जानेगा कि पतिव्रता स्त्री के सत्व से खेलने का परिणाम क्या होता है। ओम नमः शिवाय।
बचाओ, इस ज्वाला से मेरी रक्षा करो। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो रक्षा करो, बचाओ बचाओ, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। बचाओ, अरे रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। असुर, अपने अधर्म के कारण इतने वर्षों तक श्रापित होने के पश्चात भी तुमने अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और आज यही पाप और अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बना। तुम्हारे इस परिणति से समस्त संसार यही शिक्षा लेगी कि पाप और अधर्म सदैव विनाश का ही मूल होता है। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो। न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, किंतु एक माँ का हृदय यही कहता है कि वो जहाँ कहीं भी होगा अपने धर्म को निभा रहा होगा। अवश्य ही वो इस संसार के हितार्थ कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। सो दशरथ अजीर बिहारी। देवो, मुझे ज्ञात है कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है, मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं है। यह सत्य है ना कि तुम लोग रुद्रावतार हनुमान से युद्ध नहीं करना चाहते? हाँ इंद्रदेव, यह सत्य है। मगर क्यों क्यों बृहस्पति देव क्यों? क्योंकि भक्त का अपने ही भगवान से युद्ध करना शोभा नहीं देता, यह अशोभनीय है, निंदनीय है इंद्रदेव। कैसा भक्त और कैसा भगवान बृहस्पति देव? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि देवराज इंद्र है, वही भगवान है और भगवान का आदेश। और भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि है। और
और मेरी ये केवल इच्छा ही नहीं, अभी तो निर्णय है कि उस रुद्रावतार हनुमान से युद्ध करेंगे। तदनुसार आप सबको मेरा साथ देना होगा, अन्यथा देवताओं का अधिपति होने के नाते मैं आप सबको देवत्व से पदच्युत कर दूंगा, कलंकित एवं अकिंचन जीवन जीने के लिए विवश कर दूंगा। स्मरण रहे मेरी शक्ति एवं मेरे अधिकार। जाइए, जाकर युद्ध की तैयारी कीजिए। मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि तीनों लोकों में देवराज इंद्र से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इंद्रदेव, हम प्रभु से युद्ध लड़ेंगे, परंतु इसलिए नहीं कि हमें आपका भय है, अभी तो इसलिए कि हमें प्रभु ने देवत्व धर्म के निर्वाह करने का आदेश दिया है। और हम अपने प्रभु की आज्ञा को कदापि टाल नहीं सकते। परंतु आप यह स्मरण रखिए इंद्रदेव कि हमारे प्रभु हनुमान रुद्रावतार है, आदि अनादि सर्वशक्तिमान है वे, तथा हम सभी देवों की शक्तियां उनके भीतर है। संसार में किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। हाँ इंद्रदेव, और इसलिए इस युद्ध में आपके अहंकार की पराजय होना तो निश्चित है। बस देवो, बस बस बस, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। इसका निर्धारण तो युद्ध करेगा कि कौन है सर्वोच्च, वो रुद्रावतार या देवाधिपति देवराज इंद्र। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मार्ग तो यही समाप्त हो गया। तात्पर्य ये हुआ कि अमरनाथ गुफा यहीं कहीं है, इन हिमाच्छादित पर्वतों के बीच, जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। किंतु मैं इन हिमाच्छादित पर्वतों के बीच उस गुफा को खोजू कैसे? कोई प्राणी भी तो नहीं है यहाँ जिसे मैं मार्ग पूछ सकूं। अब तो बस प्रभु का ही आश्रय है। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया कि पवित्र अमरनाथ गुफा यही है, इसी पर्वत में। मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया। ओम नमः शिवाय। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। करोगे मेरा सामना? एक बार दृष्टि उठाकर तो देखो, मेरे साथ समस्त देवताओं की सेना है और तुम अकेले और निहत्थे। जो अकेला और निहत्था होता है उसे निर्बल नहीं समझना चाहिए देवराज इंद्र। निश्चय ही आपके पास देवताओं की सेना है, किंतु मेरे पास इस सृष्टि के स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति है। और वानरों की संधि को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी मित्रता को शत्रुता में बदल दूंगा, शत्रुता में। सर्वनाश सर्वनाश। सर्वनाश सर्वनाश।
रक्षपति रक्षपति कहाँ तुम? मेरी रक्षा करो रक्षपति। रक्षपति कहाँ हो? रक्षपति रक्षपति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भ्राता रक्षपति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भ्राता मेरी मेरी रक्षा करो। जामवंत तुम यहाँ और ये सब? जामवंत तुम्हारे मुख पर ये घाव कैसे? किसी ने तुम पर आक्रमण किया क्या? मैं बड़े संकट में हूँ भ्राता हेमवंत। कैसा संकट जामवंत, कैसा संकट? किसने की तुम्हारी अवस्था? किसने? हम उसके समूल वंश का नाश कर देंगे। तुम एक बार बता दो जामवंत, किसने साहस किया मेरे भाई की दुर्दशा करने का? किसने? वानर राज केसरी ने भ्राता। वानर राज केसरी ने मेरी ये दुर्दशा की है और वो भी अकारण। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी मेरे अधीन हैं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस संसार में इंद्र, देवराज इंद्र से शक्तिशाली कोई नहीं है। देवराज इंद्र, विजय होती है सत्य से, धर्म से। शक्ति मात्र एक सहायक का कार्य करती है विजय में, और सहायक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो स्वामी से शक्तिशाली कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए विजय हमेशा उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर सत्य और धर्म के लिए शस्त्र उठाता है। उपदेश मत दो हनुमान, युद्ध करो मेरे साथ। और रही बात सत्य की, तो सत्य तो मैं हूं, क्योंकि युद्ध में जिसके पास शक्ति होती है वही सत्य होता है। मैं सिद्ध कर दूंगा हनुमान कि समस्त संसार में मैं देवराज इंद्र सर्वोच्च है। युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अज्ञान के घने मेघ के कारण आप सत्य को देख नहीं पा रहे हैं देवराज इंद्र। ये तुम क्या कह रहे हो जामवंत? ये कैसे हो सकता है? वानरों से तो हमारी मित्रता है, महाराज केसरी ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो तुम्हें सदैव अपने सहोदर भाई की तरह माना। जामवंत तुम अपने भ्रम को दूर करो तथा अपने मन को निर्मल। मैं जानता हूं रक्षपति कि केसरी के प्रति तुम्हारे मन में विष घोलना सहज नहीं है, किंतु विश्वास करो रक्षपति, मैं तुम्हें यह विश्वास दिला कर रहूंगा कि वानर अब वृक्षों के मित्र नहीं अपितु शत्रु है, कट्टर शत्रु। भ्राता रक्षपति मुझ पर विश्वास करो, केसरी ने मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, वो मित्र नहीं है।
अभी तो मित्रता की आड़ में छल किया है उसने। वो तो मैं स्वयं को किसी तरह बचाकर यहां भाग आया, अन्यथा वो मेरी हत्या कर देता, आपके भाई की हत्या। पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये बात हमारा भाई कह रहा है। क्षमा करना प्रभु। हमें क्षमा करना रुद्रावतार। हमें क्षमा करें प्रभु। ज्ञात है कि तुम लोग ये युद्ध हनुमान से जानबूझकर पराजित हो रहे हो, किंतु मैं देवराज इंद्र हूं। इंद्र, अब मैं हनुमान को बताऊंगा कि युद्ध कहते किसे हैं और देवराज इंद्र से युद्ध करने का परिणाम क्या होता है। जय श्री राम।
हनुमान से लड़ाई करने का उपयुक्त समय नहीं है। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। देवराज इंद्र, अब आप चाहे कहीं भी भाग लें, आपको आपके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। मैं आपको आपके किए का दंड अवश्य दूंगा, अवश्य। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तो मुझे बाबा अमरनाथ के दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। कहते हैं बिना प्रभु की इच्छा के कोई भी इस पवित्र गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। कलुषित मन वाले को तो प्रभु दर्शन ही नहीं देते, तो क्या? नहीं नहीं, प्रभु मुझ पर अपनी कृपा करने से मुख नहीं मोड़ सकते। उन्हें मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करनी ही होगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में, मुझ पर कृपा कीजिए, अपने दर्शन का मुझे मार्ग बताइए प्रभु। हे महादेव, दया कीजिए मुझ पर, कृपा कीजिए।
बहुत बहुत दया प्रभु, जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। किंतु वो अमर कबूतर कहाँ है जिन्हें मुझे ये दाना खिलाना है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रतीत होता है मुझे सर्वप्रथम प्रभु शिव के इस रूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी होगी, तभी वो अमर कबूतर मुझे अपना दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। अचानक दृष्टि दोष क्यों हो गया? मुझे हर ओर हनुमान ही हनुमान दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया मुझे? कीजिए
मुझे बचाइए, मुझे मुझे बचाइए। देवराज इंद्र, आपके अहंकार के कारण आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अहंकार का स्वभाव है अकेलापन। अहंकार प्राणी को मूल रूप से अकेला कर देता है, जैसे आज अभी आप हो गए हैं। आपके इस अहंकार के ग्रहण को हटाना अति आवश्यक था। वैसे तो आपके इस अहंकारी स्वभाव का दंड है मृत्यु दंड, किंतु मुझे दुख है कि मैं आपको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक देवता हैं एवं देवता होने के कारण अमर। किंतु दंड स्वरूप में मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर फेंकूंगा जहां से वापस आज तक कोई नहीं लौट पाया है। अकेले पड़ जाओगे आप वहां। जैसी करनी वैसी भरनी। जामन जी, आप इतनी दूर से चल कर आए, थके हारे क्लांत, भूख भी लगी होगी। फल ग्रहण कीजिए, सर्वप्रथम क्षुधा शांत कीजिए। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी भ्राता, जब मेरे हृदय में धधकते प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। उस वानर केसरी ने मुझे राष्ट्रद्रोही कहा है, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है उसने, और राष्ट्रद्रोही कहके मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो जामवंत? मैं सत्य कह रहा हूं भ्राता। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लज्जावश ये बात ना तो मैंने तुम लोगों को बताई और न ही यहां आया। इस बार तो भागना मेरी विवशता हो गई थी, अन्यथा तुम लोग इस भ्राता का मृत मुख देखते। उस केसरी ने तुम पर इतने अत्याचार किए और तुम रक्षपति, आज मेरी कही बात सत्य सिद्ध हो गई। तुम्हें स्मरण होगा मैंने तुमसे कहा था
कि ये वानर हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते। नहीं है विश्वसनीय, सदैव ये हमारे शत्रु थे, शत्रु हैं, शत्रु रहेंगे। जामवंत जी, आप दुखी ना हो, हम उन वानरों से प्रतिशोध अवश्य लेंगे। आपके ऊपर हुए प्रत्येक अत्याचार और अन्याय का बदला लेंगे। रक्षपति, हमें अंजन प्रदेश पर आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब वानरों एवं रीछों की मित्रता सदा सदा के लिए शत्रुता में बदल जाएगी। और जब तक वो अंजना अपनी साधना पूरी करके लौटेगी, अंजन प्रदेश हमारा हो चुका होगा। प्रभु, आज आपने इंद्र के अहंकार का दमन कर हम सभी देवों को इस गहन संकट से उबार लिया। अहंकारी इंद्र अपने साथ साथ हमें भी पदभ्रष्ट कर रहा था, अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा था। आपने हमें बचा लिया प्रभु, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे प्रभु। देवों, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, अब कौन सा कार्य शेष रह गया? देवर्षि, देवराज इंद्र को दंड देने के पश्चात स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त है। और जब तक देवराज इंद्र के अहंकार का समूल नाश नहीं होता, वो इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। कौन हो तुम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत रहो। क्योंकि तुम चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैं कितना बड़ा अधर्म कर रहा था। मैं अज्ञानी, साक्षात ब्रह्मा विष्णु और रुद्रावतार से टक्कर लेने चला था, किंतु अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप ही क्षमा का मार्ग है।